Dear students, myself Harish Tharingo. Today we shall read the last portion of the book. आप इस चैप्टर में देखे हो कि भय का आदमी के जीवन में क्या रोल होता है। मनोवैज्ञानिक भी बतलाते हैं कि बच्चों को डराना नहीं चाहिए। बचपन में एक बार भय जब मन में कायम हो जाता है, दिल में बैठ जाता है, तो उसका प्रभाव सारी जिंदगी भर पड़ रहा है। जैसा कि आप इस चैप्टर में देखे हो कि घटना बचपन की है, 3-4 साल की उम्र की है। विलियम डगलस जब कैलिफोर्निया के समुद्री किनारों पर अपने पिता के साथ गया था और लहरों का एक थपेड़ा उसको नीचे गिरा दिया और पानी उसके ऊपर से बह, पानी की ताकत से वो आतंकित हो गया। बच्चा था, बाद में उसने इस पर विजय पाने की कोशिश की, तैराकी सीखने की कोशिश की, लेकिन फिर एक दुर्घटना उसके साथ घट गई। एक नौजवान लड़का उसको जो है उठा करके गहरे पानी में गिर गया। इस भय ने उसकी सारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सारा जिंदगी वो पानी से डरता रहा। आप देखे हो कि इस डर से निजात पाने के लिए उसे कितनी मशक्कत करनी पड़ी। अंत में तैराकी सीख जाने के बावजूद भी उसका डर पूरी तरह से समाप्त नहीं। Now come to the end point, the last stanza you see here. Yet I had residual doubts. लेखक कहता है कि अभी इतना हो जाने के बावजूद भी मेरे मन में कुछ संदेह था। एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, कहता है कि पहले अवसर में मैं सिख आई हरिड वेस्ट, मैं पश्चिम की ओर गया। वेंट अप टाइटन टू कोनार्ड मीडू, टाइटन से कोनार्ड चारागाह तक की यात्रा कर। अब कोनार्ड ट्री ट्रेन टू मेडे ग्लेशियर और कोनार्ड की पहाड़ियों से ग्लेशियर तक गया। उसके बाद एंड कैन इन हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्ले और गरम झील के बगल में ऊंचे स्थान पर अपना कैंप लगाया। नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप डाइव इनटू लेक और अगली सुबह मैंने झील में गोता लगाया। स्वैम अक्रॉस अदर शोर एंड बैक, तैर करके दूसरे किनारे पर गया और वहां से वापस लौट करके आया। जस्ट एट डॉन कॉकरोन यूज्ड टू डू, जैसा कि डॉग कॉकरोन किया करता था, उसी तरह से विलियम डगलस भी किया। आई शाउटेड विद जॉय, लेखक कहता है कि मैं खुशी से जोर से चिल्लाया। एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न्ड द इको और मेरी चिल्लाने की आवाज, चिल्लाने की प्रतिध्वनि गिल्बर्ट की पहाड़ियों से होकर के वापस लौटी। आई हैड कॉन्क्वर्ड माय फियर ऑफ वाटर, मैंने जल के प्रति
अपने भय पे विजय प्राप्त कर ली थी। नाउ सी द लास्ट स्टेंजा, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। अनुभव का मेरे लिए एक गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। इस बात को, इस अनुभव को वही लोग सिर्फ जान सकते हैं जिन्होंने कठोर भय का सामना किया हो और उस पर विजय प्राप्त की। बिना भय का सामना किए और उस पर विजय प्राप्त किए आप लेखक की बात को समझ नहीं सकते। इन डेथ देयर इज ए पीस, मृत्यु में एक प्रकार की शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, आतंक कहां है? मृत्यु के भय में आतंक। मृत्यु का जो भय है डर उससे है, न कि डर मृत्यु से। मृत्यु तो बहुत शांत, लेकिन जो मृत्यु का डर है आतंक उससे। एज बेंट न्यू वे नहीं से, जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था। रूजवेल्ट ने क्या कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमको डर से डर है, हमको भय से भय है, हम भय से भयभीत होते हैं। Because I had experienced both the sensation of dying and terror that fear of it can produce, the will to live somehow the intensity. Roosevelt आगे कहता है कि मैंने मरने की सनसनी को, कहता है आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मैंने दोनों को महसूस किया, मृत्यु के भय को भी महसूस किया और मृत्यु को भी महसूस किया। कहता है कि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग, जो मरने की सनसनी होती है, जो संवेदना होती है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और आतंक जो भय से पैदा होता है, जिससे इसका डर पैदा होता है, आतंक का डर यहां से पैदा होता है, और मृत्यु, दोनों को हमने काफी करीब से देखा है, महसूस किया है। The will to live somehow grew intensity, और इस प्रबलता में इन दोनों स्थितियों में जो जीने की इच्छा शक्ति है मैंने उसको ही महसूस किया। कहता है कि the will to live का मतलब जीने की इच्छा शक्ति, somehow grew in intensity, और इस प्रबलता में जो जीने की इच्छा शक्ति है उसको भी मैंने महसूस किया है। At last I felt released, अंत में मैं अपने आप को काफी हल्का महसूस किया, सुकून महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइम द पीक,
एंड टू ब्रश असाइड किए। नीचे की ओर जाने में और ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने में और इन दोनों के दौरान चाहे पहाड़ी पर चढ़ना हो या पहाड़ी से उतरना हो, अपने भय को अलग कर देना, ये दोनों चीज हमने सीखा है और हमने महसूस किया है कि किस प्रकार से इसको दूर किया जा सकता है। नाउ दैट साल इट इज द एंड ऑफ लेसन। थैंक यू। यू हैव टू प्रिपेयर द स्मॉल क्वेश्चन। यू हैव टू साइट ऑन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द चैप्टर। देखो, नया पैटर्न आया है और नए पैटर्न में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पुराना पैटर्न है वो बदल चुका है। कोरोना काल में नियर अबाउट 50% जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस का होगा। जैसा कि तुम एग्जाम दे रहे हो उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ कहाँ से, किस लाइन से, किस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तुमको ध्यान में रखना होगा। जो मुख्य चीजें हैं वो मैं तुमको बता दूं कि कम से कम चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम, मेन इवेंट्स, ये सब सारी चीजें जो हैं तुमको लर्न करनी होगी। और उसके बाद से जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको जो है नोट करना होगा, ध्यान देना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।